अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जी। आज की वीडियो में हम लहसुन ग्रो करना सीखेंगे। लहसुन दो तरह का होता है, एक चाइना वाला लहसुन और दूसरा जो होता है वो देसी लहसुन होता है। ये देखिए, ये देसी लहसुन है जो पिंक कलर का होता है, इस तरह से पिंक कलर की इसकी ग्लोब्स होती हैं और थोड़ा साइज़ छोटा होता है इनका। जबकि जो देसी चाइना वाला लहसुन होता है इसकी ग्लोव्स काफ़ी बड़ी होती हैं और इसका जो कलर होता है वो काफ़ी लाइट होता है और वाइट सा कलर होता है इसका। तो आज का जो वीडियो है ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जिनके पास ज़मीन नहीं है, फ्लावरिंग बेड्स नहीं है और वो गमलों में अपनी गार्डनिंग जारी रखना चाहते हैं और अपने घर पर किचन गार्डनिंग करके अपने घर से ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नहीं आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसको हमने किस तरह से ग्रो करना है, तो ये देखें, लहसुन कोई सा भी हो इसका ये जो जड़ वाला हिस्सा होता है, जड़ वाली साइड ये नीचे रखनी होती है और जो नोकीली साइड होती है इसको हमने ऊपर करना होता है। इसी तरह से ये देखिए, ये वाला जो देसी लहसुन के जवे हैं इसी तरह से इनकी भी ये वाली जड़ वाली साइड होती है, इसको हमने नीचे रखना है और ये जो नोकीली साइड है इसको ऊपर करना होता है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, लहसुन को आप ग्रो बैग्स में ग्रो कर सकते हैं, छोटे बड़े गमलों में कर सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और अच्छी तरह उसके अंदर फर्टिलाइज़र भी मौजूद होना चाहिए ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो उनको मिल जाने चाहिए। तो इसके लिए आप भल वाली मिट्टी और उसके अंदर किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या आप लीव कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो मेरा भी जो सोयल मीडिया है ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पोरसा बनाया हुआ है ताकि इसमें तमाम प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से हो। और आपने सब्जियां लगानी हैं, लहसुन लगाना है, बीज लगाने हैं किसी भी सब्ज़ी के, तो आपको पहले से अपनी मिट्टी को 3-4 दिन पहले से पानी देना शुरू कर देना है ताकि जब आप सीड्स लगाएं या लहसुन ग्रो करें या आप पोटैटो ग्रो करें, कुछ भी लगाएं आप, तो मिट्टी के अंदर हल्का हल्का मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए, यानी कि मिट्टी में वत्तर होना चाहिए। तो अब हमने इसको कितने फासले पे लगाना है, तो आप लहसुन ये वाला लगाएं या देसी वाला लगाएं, इसका फासला कम से कम 2 इंच लाजमी रखें, 2 से 3 इंच, क्योंकि जब आप इस तरह लगाएंगे 2 से 3 इंच के फासले पे, तो जब प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा और नीचे इसके लहसुन की जवे बड़े होना, लहसुन के जवे बड़ा होना शुरू हो जाएंगे, तो कुछ इधर वाला जो लहसुन लगाया हुआ है आपने वो हिस्सा कवर कर लेगा और कुछ दूसरा कवर कर लेगा। तो अगर जगह थोड़ी होगी और आप बहुत पास पास लगा देंगे तो आपका जो लहसुन लगाया हुआ होगा उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसको हमने किस तरह से लगाना है, देखिए मिट्टी में मॉइस्चर मौजूद है तो इसको हमने तकरीबन 1.5-2 इंच के फासले पर इस तरह से पूरी जो ये जो ग्लोव है इसको इंसर्ट कर देना है मिट्टी के अंदर। इसी तरह से हमने लेते जाना है इसको और तकरीबन 2-3 इंच लेते जाना है। इस तरह जब आप जवे इसके लगा लेंगे, लहसुन के ग्लोव भी हैं, तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्या इनके जो ऊपर से एजेस नजर आ रहे हैं ये ऐसे ही रहेंगे या इन करें, तो इसके लिए आपने एंड में करना है कि बिल्कुल हल्के हाथ के साथ मिट्टी के ऊपर हाथ फेरें ताकि भी इस एजेस ऊपर से नजर आ रहे हैं वो सारे हो जाएं। तो ये देख, इसे लगाने के बाद इस तरह से हमने हाथ के साथ इसका मट कर देना है फिर से। तो अब हमने इसको अंदर पानी डाल देना है भर के, मिट्टी क्योंकि नीचे तक मॉइस्ट है इसलिए बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा मैंने इसको खुला पानी डाल दिया है। तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी जो लीव्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे।
पानी लगाने का एक फ़ायदा हमें ये भी होगा कि जो ग्लोव्स हमने लगाए हैं उनकी साइड्स पे अगर कोई खला या हवा रह गई है तो वो पानी से फिल हो जाएगी और हमारी जो सब्ज़ी हमने लगाई है उसकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो होगी। और बस आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी आप अपनी सब्जियां, फ्रूट के प्लांट्स या आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं तो मिट्टी में फर्टिलाइज़र इतना ऐड होना चाहिए कि आपके प्लांट्स को उस सीज़न की खुराक मिल सके और उसी खुराक के सर पे जो टाइम लैप्स हैं उसके फ्रूटिंग करना, अपनी ग्रोथ करना और फ्रूट को पकाना, एंड तक अपना लाइफ साइकिल वो पूरा कर सकें। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ नहीं भी है तो भी अब विंटर स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम है तमाम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और विंटर की वेजिटेबल्स लगाने के लिए, तो आपके पास अगर जगह नहीं भी है तो भी आप गमलों में, ग्रो बैग्स में या वेस्ट मटेरियल में किसी भी चीज़ में गार्डनिंग का आगाज़ करें और इस बहुत ही ज़बरदस्त से मौसम का फ़ायदा उठाएं और कुछ ना कुछ किचन गार्डनिंग ज़रूर करें। लहसुन प्याज लगाएं आप, सब्ज़ धनिया लगाएं, पुदीना लगाएं या पालक लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो जब आप लगाएंगे और अपने घर से हार्वेस्ट करके उनको इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में तो यकीन मानिए कि आपको खुद फील होगा कि बाज़ार की सब्ज़ी में और घर की सब्ज़ी में कितना फ़र्क होता है और कितना अच्छा टेस्ट होता है जो हम अपने घर से ग्रो करते हैं, अपने हाथ से ग्रो करते हैं, और साथ में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। और गार्डनिंग हमारे फ्री टाइम का बहुत ही अच्छा मसरफ़ है और बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आती है, बहुत मज़ा आता है गार्डनिंग करके। फ्लावरिंग बेड्स नहीं है, ज़मीन नहीं है आपके पास, तो आप अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं गार्डनिंग। मेरी तरह से मैं भी अपने घर की छत पे गार्डनिंग करती हूँ। और अगर घर की छत पे भी आप नहीं करना चाहते तो बालकोनी या कहीं भी थोड़ी बहुत जगह तो होगी जहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग को कंटिन्यू कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। इंजॉय योर गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।